हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आफ्टर 2 वीक्स टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अजहर। पता नहीं 2 हफ्तों से मन ही नहीं हुआ व्लॉग करने का, और जब मेरा मूड होता है तब व्लॉग करता हूँ, जब मेरा नहीं होता है मन तब नहीं करता। मैं ये नहीं चाहता कि व्लॉग करूं जब मेरा मन ना हो, तो जब मेरा मन ना हो तब फालतू में व्लॉग बनाऊं और अच्छे भी ना बने, ना मुझे अच्छे लगे ना आपको अच्छे लगे। तो इसलिए जब मेरा मूड होता तब व्लॉग करता हूँ। 2 हफ्तों से व्लॉग नहीं डाला, लोगों ने पूछ पूछ के कहा व्लॉग कब आएगा, व्लॉग कब आएगा, कहाँ है व्लॉग, मैसेज में, कॉल पे, बहुत से लोगों ने पूछ पूछ के एकदम। तो यार लोग इतनी फिगर करते हैं और इतने कमेंट्स देख देख के व्लॉग कब आ रहा है कब आ रहा है, एकदम मोटिवेटेड फील हुआ है ना, अब व्लॉग करना चाहिए। मन हुआ, दिल से एकदम मन हुआ कि हाँ व्लॉग करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच भाई लोग इतना कमेंट करने के लिए, मुझे मोटिवेटेड फील कराने के लिए, थैंक यू सो मच। पूरे सुबह के 5:30 इतनी सुबह उठने का और व्लॉग करने का मेन मकसद ये है कि आज इतनी सुबह उठने का मकसद ये है कि आज हम जा रहे हैं मैच खेलने सुबह ही सुबह। तो चाय भी खत्म हो गई और तैयार होते हैं और चलते हैं मैच खेलने के लिए। सो नाउ वी आर रेडी। एक मिनट, एक चीज रह गई। सो नाउ वी आर रेडी फॉर द मैच। और टाइम कितना हो रहा है भाई? 6:15 भाई। अयान की कॉल आ रही है, अयान की एक बार कॉल भी आ चुकी है और अब हमें तेजी से निकलना है। भागते हुए हमें जाना है चुंगी, चुंगी से अयान उठाएगा, अयान के साथ हमें जाना है छेरत मैच खेलने। सो वी आर रेडी गाइस। हालत खराब। अयान भाई आ चुके हैं, क्या लगता है जीत जाओगे आज? हम यहाँ पे आ चुके हैं ग्राउंड पे मैच खेलने और कम से कम 1 साल के बाद मैच खेलने हैं। अब कुछ नहीं पता कैसा होगा मैच, मतलब सही जाएगा खराब जाएगा, पर इतना पता अच्छा तो नहीं आएगा। हमारे साथ हैं छोटे छोटे क्रिकेटर्स, ये भी मैच खेल रहे हैं। आपका नाम? आप कौन सी क्लास में हो? आप कर देगा बैटिंग बॉलिंग? बैटिंग करते हो और आप बॉलिंग? तो आज बढ़िया खेलोगे एकदम। शाबाश। तो हमारी टीम ने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और सामने वाली टीम ने बनाए 130 रन 20 ओवर में। अब देखते हैं हमारी टीम बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, देखते हैं। और सबसे मुश्किल काम यानी स्कोरिंग का काम वो आपके भाई को मिला इतनी धूप में। अरे शॉट लड़का, भाग भाग, कंफर्म है पर। अरे शॉट लड़के, शॉट लड़के, शाबाश। चला चला चला, शाबाश देख के, शाबाश 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 लड़के। यहाँ पे दीदी यहाँ पर अभी अपने स्कोर हो रहा 85 रन और जीतने के लिए चाहिए अभी 45 ओवर, तो बहुत है। अब अगला विकेट होने के बाद आपका भाई जाएगा बैटिंग करने। उम्मीद तो यह बैटिंग आए ना, पर मन तो हो रहा बैटिंग करने का। अब अगला विकेट होते ही बेल देगा आपका। स्कोर हो गया 112 रन चाहिए सिर्फ 18। मैं पैड करके पूरा तैयार हूँ, मेरी बैटिंग नहीं आई ना, पैड वेट सब फेंक दूंगा, खेलने नहीं आऊंगा दोबारा। मैं खेलने ही नहीं आऊंगा, पिच पे लेट आऊंगा मैं। पर ना सच में तो यह उम्मीद कर रहा हूँ ना आए बैटिंग, बेइज्जती होगी। पहली बॉल बोल्ड, पहली बॉल पे ही कर बोल्ड हो क्या? पहली बॉल पे ही बोल्ड। देखो उम्मीद वाली बात नहीं है, पहली देखो देखो हंस हो रहे हैं, देखो देखो हंस हो रहे हैं। हमने बस क्या कहा था, विकेट रोक लो। अयान मैच जीत जाए तो बता दियो, मैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेने आ जाऊंगा। अरे शॉट लड़के, और मैच हम जीत चुके हैं, मैच हम हैं, पर कम से कम 8-10 महीने के बाद खेलने के बाद जो हाथ में दर्द हुआ, एक थ्रो करी और पूरा हाथ ऐसा खिंच गया, पैरों में अलग ही लेवल का दर्द हो रहा, बहुत ही गंदा दर्द हो रहा। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैच जीत गए, उससे ज़्यादा क्या चाहिए, हालत ख़राब हो गई। सुबह 5:30 बजे उठ के सिर्फ एक कप चाय पी के आपका भाई मैच खेलने चला गया और कम से कम 8-10 महीने बाद मैच खेला, तो
तो अब हल्के हल्के मसल्स खुल रही थी। एक थ्रो मारी, पूरा हाथ दर्द करने लगा, पीठ दर्द कर रही, हल्के हल्के मसल्स खुल रही है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा, बहुत हद से ज्यादा दर्द हो गए। और इतनी ज्यादा भूख लगी क्योंकि एक ही कप चाय पी के गया था। तो अब मैंने कहा घर आके कुछ ना कुछ खाना, घर आके देखा कुछ नहीं है, तो जो सबसे जल्दी बन सकती थी दो मिनट में मैगी बन जाती है, तो आप कहेंगे 2 मिनट में मैगी बनाई और खाई। इतने दिनों के बाद मैच खेला, आपके भाई ने सोचा रन मारूंगा कुछ करूंगा, पहली बॉल पे बोल्ड हो गया। तो आज के दिन पहली बॉल पे बोल्ड हो गया, पीठ दर्द करने लगी, हाथ दर्द करने, भूख लगी, पर वो सब बातें अलग है। जब लेकिन आप मेहनत करो और आपकी टीम मैच जीत जाए तो एक अलग ही खुशी मिलती है, बहुत अलग ही लेवल की खुशी होती है। तो मेरा 0 पे आउट होना आपको पसंद आया हो, ये मैच जीतना पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करें, अगर ना पसंद आया तो डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट करके जरूर बताएं अच्छा लगा आपको बुरा लगा, लेकिन कमेंट जरूर करा करें। आप कमेंट करते हैं तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन आती है कि हाँ आगे और व्लॉग्स करने चाहिए। अब कोई कमेंट नहीं करता कि यार बताता ही नहीं है, तो मन नहीं करता कि आगे व्लॉग्स करें, तो आप कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको व्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। और तब तक आपका एंजॉय करता मैगी।